धन्यवाद आप सभी का खुदा के लिए। विकास यात्रा के दौरान विधायक ने किया स्टेडियम का शिलान्यास, अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के लिए दिए गए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है। वहीं गंज बसौदा विधानसभा क्षेत्र में विधायक के नेतृत्व में विकास यात्रा गाँव गाँव पहुँच रही है, जिसको लेकर जगह जगह विकास कार्यो का लोकार्पण भी किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। इसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजोदा में क्षेत्रीय विधायक ने युवाओं को खेल स्टेडियम की सौगात दी और जिसका शिलान्यास लोकार्पण विधि विधान के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया गया। वहीं विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। विकास यात्रा में लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। विधायक लीना जैन ने बताया कि हम विकास यात्रा के दौरान मंगल भवन के भी लोकार्पण कर रहे हैं। विकास यात्रा में 34 प्रकार की योजनाएं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना भी लोगों को हर संभव लाभ पहुंचे यही है। विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों की भीड़ बड़ी तादाद में देखने को मिली। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। आज क्या कार्यक्रम, क्या भूमि पूजन है बताएं। पूरे प्रदेश में लगातार विकास यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी लोग विकास यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि जो प्रदेश में विकास हुआ है वो हमें जनता तक पहुँचाना है। आज मध्य प्रदेश विकासशील प्रदेश में शामिल हो चुका है। रोडों का जो जाल बिछा है और जिस तरीके से पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है और अन्य कार्य हो रहे हैं, वो सब हम जनता को बताना चाहते थे। जनता से इस बारे में चर्चा भी करना चाहते थे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जो हमारे पात्र हितग्राही थे उनको हित लाभ वितरण भी हमने इस कार्यक्रम में रखा हुआ है। हम हित लाभ भी दे रहे हैं जनता को। साथ ही आज ग्राम रजोदा में बहुत समय से जो मेरे युवा साथियों की मांग थी खेल स्टेडियम की, उसका भूमि पूजन का कार्य आज रजोदा ग्राम में माननीय अध्यक्ष जी के साथ हम सभी कार्यकर्ता साथियों ने यहाँ पर किया है। ये खेल स्टेडियम लगभग 3.6 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार होने वाला है। इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आज हम सभी लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सौगात के रूप में इस खेल स्टेडियम दिया है, इसका भूमि पूजन का कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ढेर सारी सौगातें वासुदा विधानसभा के लिए दी हुई है। विकास यात्रा में हम सभी प्रयास है कि हम सारे ही भूमि पूजन के कार्य कर ले। साथ ही जहाँ जहाँ लोकार्पण के कार्य होना है, जैसे आवास में लोगों को प्रवेश कराना या हमारा कोई आंगनवाड़ी भवन है या मंगल भवन है, इनके भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्य भी हम इस विकास यात्रा में कर रहे हैं। 34 योजनाओं का बैनर टंगा हुआ है, इनमें से कई योजनाएं जो है जो जनता तक नहीं पहुंचती हैं, ये विकास यात्रा 2 साल पहले क्यों नहीं हुई, चुनाव के आने के कुछ समय पहले क्यों की जा रही है? 2 साल पहले का समय आप सबको याद होगा, हम ऐसे संक्रमण से जूझ रहे थे जिसमें हमें जन हानि होने से बचाना था। उस समय अगर हम विकास यात्रा निकालते तो क्या उचित था? आज विकास यात्रा निकालना उचित है, क्योंकि आज हमने कार्य भी करे हैं, कोरोना काल में जनता को बचाया भी है और साथ ही कई सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें वासुदा विधानसभा में दी हुई है वो हम जनता को बता रहे हैं। ये जो खेल स्टेडियम तैयार हो रहा है, ये कितने बीघा में है, बने क्या सुविधा यहाँ के खिलाड़ियों को मिलेंगी? ये इंडोर प्लस आउटडोर खेल स्टेडियम है और ये इसकी 14 बीघा है, 4 बीघा